सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, कल्याण, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन अभी तक कैसे पूछा जाता है? कल्याण क्या है, निम्न में से कल्याण क्या है? तो आप विकल्प में टिक करते पत्रिका है, लेकिन अब पूछा जा रहा पत्रिका तो है लेकिन ये किस पर आधारित है, ये किस विषय से संबंधित पत्रिका है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ये एक धार्मिक पत्रिका है, कल्याण धार्मिक पत्रिका है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प आप सभी के सामने है, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी, लखनऊ। इसलिए आपके एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम अगर हो रहा है उससे रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन है, लखनऊ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प हमारा सही हो जाता है डी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पे, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है सी, गांधी जी। नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के गांधी जी। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? जाति पत्र पूछा जा रहा है। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, छत्री। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको पूरे वीडियो में बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पत्र पत्रिकाएं हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादम्बिनी, सारिका, कथांतर, कथादेश। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, कथादेश। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है डी, कथादेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? फ्रेंड्स, आप सभी को हम एक चीज हमेशा कहते हैं कि आप लोग हर दिन का एक टारगेट बना लीजिए, हर दिन का एक टारगेट बना लीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरी एनर्जी लगाइए। इस तरीके से हम छोटे छोटे एम को पाते हुए अपना पूरा उद्देश्य पूरा कर लेंगे। जो हमारा उद्देश्य है, चाहे वो नज़दीक में 2-3 महीने की परीक्षा का हो, चाहे मेरी ज़िंदगी का कोई भी उद्देश्य हो, वो पूरा हो जाएगा। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में अपना उद्देश्य पूरा करते हुए, उस एक एम बनाइए हर दिन का, उसे पूरा करने में आप पूरी एनर्जी लगा दीजिए, अपना पूरा फोकस कर दीजिए। तो कैसे नहीं उद्देश्य पूरा होगा? कैसे अगर आपने 130+ का उद्देश्य किया है, एम रखा है, तो कैसे नहीं उसे हासिल कर पाएंगे? जरूर हासिल कर लेंगे। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, नामवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है बी, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश, उषा, प्रेमबदा, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ये, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है?
चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नासिकेतु उपाख्यान के रचयिता कौन थे? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन और स्टैंडर्ड लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिकेतु उपाख्यान के रचयिता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशा अल्लाह खान, सुदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सदल मिश्र। आप सभी चैंपियन है, आप में बहुत एनर्जी है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाह रहे वो हासिल कर सकते हैं, बस आप एक सही दिशा में चाहना तो शुरू करिए, ईमानदारी तो दिखाइए अपने काम में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? आप लोगों को विकल्प देख के बता देना चाहिए था अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है कॉन्टिन्यू। पंचरत्न, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है हमारे ये पंचरत्न। पंचरत्न किसके रचना, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चाहे जहां से खोज करके, किताब से, विकिपीडिया, गूगल, सब कुछ, चाहे जहां से खोजिए, एक खोजेंगे आप तो साथ में कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बस मेरा यही पर्पज होता है, आप लोग खोज करके नीचे कमेंट सेक्शन में फुल एनर्जी के साथ तुरंत के तुरंत करिए। और एक चीज आपको और बता दें, वीडियो को अभी बाद के लिए मत रखिए, अभी के अभी तुरंत इसे फिनिश कर दीजिए, नहीं तो बाद में वो कंपाइल हो जाता, पूरा ढेर लग जाता है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाते, ये सबके साथ हो जाता है, तो किसी काम को कल के लिए मत छोड़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी, आयारी, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है तिलस्मी है, चंद्रकांता संतति ये तिलस्मी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कौन सा होगा, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जी पी श्रीवास्तव, सुदर्शन। जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, गोपाल राम। ऑप्शन सही हो जाता है हमारा गोपाल राम गहमरी। आपको सारे नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैंने पूरे वीडियो के साथ कितनी ईमानदारी की आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी मेहनत कितनी सफल हुई है, साथ साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? करबला, नदी के द्वीप, मरी हुई मछली, मछली मरी हुई, राग दरबारी। अज्ञेय का उपन्यास यहाँ पे जो चार विकल्प दिए कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, नदी के द्वीप। इनमें से अज्ञेय जी का उपन्यास है बी, नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञेय, राजकमल चौधरी। विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है सी, अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? आप सभी जान गए होंगे, मैंने हिंदी की रचना और रचनाकार की वीडियो बनाई है जिसमें कि सभी रचना लगभग 95% तक की रचनाएं मैंने कवर कर ली है, जितनी भी एग्जाम में आने वाली तो लगभग 98% कवर कर ली है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद प्रसाद, रांगे राघो। हाँ, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, परेशान मत होइए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, प्रेमचंद। कितने लोगों ने सेवा सदन को पढ़ा है नीचे आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप लोग उपन्यास के शौकीन है कि नहीं।
इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नूर जहां, गोदान, गबन, निर्मला। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होता है? ए नूर जहां। नूर जहां। प्रेमचंद की किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? गबन में है, गोदान में, निर्मला में, रंगभूमि में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद की किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, गोदान में कृषक जीवन की समस्याएं उजागर की गई हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? आज्ञे, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद्र जोशी। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो ऑप्शन सही हो जाता है वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ठेठ हिंदी का ठाट के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये। ठेठ हिंदी का ठाट, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। चंद हसीनों के खतूत, चंद्र यहाँ पे देखिए, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्र। अश्क, अज्ञेय, उग्र, रुद्र। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, रुद्र। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, निर्मला में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है। सही बस वही है, नेचर बदल रहा है, तो नेचर को आपको समझना पड़ेगा। तो नेचर आप ऐसे ही समझेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर करके आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता कौन है? विकल्प यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लच्चा राम शर्मा। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री जी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिए, एकदम से टिक कर लीजिए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, परीक्षा गुरु। आप लोग मार्क कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, वृंदावन लाल वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लीजिए इसे। अगला है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? यानी कि तीन उपन्यास आपको यहाँ पे इलाचंद जोशी जी के मिलेंगे। त्यागपत्र, मुक्तिपत्र, सन्यासी, ऋतुचक्र। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ए, त्यागपत्र। त्यागपत्र किसकी रचना है? विकल्प में यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा नहीं, त्यागपत्र। तो आप लोगों को बताना त्यागपत्र किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प आप सभी के सामने, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी गुड,
यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है तो आप लोग जल्दी से बताइए इनके लेखक कौन है। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम है अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? मानस कांस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। आप सभी जान गए होंगे, मैंने क्वेश्चन करवाया है। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, तितली। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन है? आगे इलाचंद जोशी, देवराज, चैनेन्द्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, चैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे पूछा गया था, किस सन में पूछा गया, तो हम आपको बता सकते हैं। आपको अगर जरूरत पड़ी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं किस एग्जाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आप सभी को एक बात बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है, अगर वो नॉर्मल आप बुक में पढ़ रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो डिफरेंट एग्जाम से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है तो पक्का इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, और चाहे जहाँ से भी आप कभी भी पूछ लीजिएगा कॉमेंट करके कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। झूठा सच किसका उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है झूठा सच किसका उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इससे मार्क कर लीजिए। ये उपन्यास है यशपाल जी का, है झूठा सच। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? विधा कौन सी है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र, उपन्यास है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये है उपन्यास, और किसने लिखा इस उपन्यास को आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? विधा आप लोग जान गए, हैं, तो अब आप लोगों को बताना है कि किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? संगीत, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, पुनर्नवा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी की। वैशाली की नरवधू किसका उपन्यास है? आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी का उपन्यास है वैशाली की नरवधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, कौन सा विकल्प सही होता है? प्रेमचंद, रांगे, राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, फणीश्वर नाथ रेणु। और क्यों इन्हें आंचलिक कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया है, तो ये भी फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आंचलिक क्यों कहा गया है। बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया, कोई रिलेट कर सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो को आप लोग ने ध्यान से देखा होगा तो। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुर्सेन शास्त्री, नागार्जुन। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वे गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये मैला आंचल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैला आंचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे मार्क कर लीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है ये? वेरी गुड, ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है अनामदास का पोता। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है?
गुनाहों के देवता, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब पूछा जाता है गुनाहों का देवता, क्योंकि इनका ये उपन्यास बहुत ही बढ़िया है। जो उपन्यास बहुत बढ़िया होता है, जो लोगों में फेमस होता है, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, धर्मवीर भारती जी की ये रचना है गुनाहों का देवता, विधा कौन सी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सारा आकाश के लेखक कौन है, सारा आकाश के लेखक कौन है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है, सारा आकाश ऑप्शन सही हो जाता है। एक मिनट, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, राजेंद्र यादव, सारा आकाश के लेखक है राजेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नीला चांद, डाक बंगला, औरत, राग दरबारी। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, औरत। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, प्रसाद का, कमलेश्वर, मोहन राकेश, एला चंद्र जोशी। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए, मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परक, मन वृंदावन। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा, राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटना है आप सभी को। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मछली मरी हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, उदय शंकर भट्ट, राही, मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा, सूर, कबीर, तुलसी, रसखान। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, तुलसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, कमलेश्वर, भीष्मसानी, रमेश, वक्षी, निर्मल वर्मा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, भीष्म साहनी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है, लाल टीन की छत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, निर्मल वर्मा का उपन्यास है ये, लाल टीन की छत। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही होता है, वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, मन्नू भंडारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभोज क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज, रासो, कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे हमारा सही होता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है सी, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, विसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है, विसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है, चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है, या दिमाग में बैठा लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, नरपति नाल। विसलदेव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नाल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चंदायन किसके कृति है, चंदायन किसके कृति है, जायसी की, शेख नबी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मुल्ला दाऊद, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत, पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, पद्मावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्र का पौंचरी। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है बी, साकेत। आधुनिक काल का राम काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहा जाता है? तो साकेत को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरवे रामायण, रामचंद्र का, विनय पत्र का, दोहावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे इस समय है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार्क। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, रामचंद्र का, तुलसी की रचना नहीं है। वरवे रामायण, विनय पत्र का, दोहावली, ये सभी तुलसी की रचना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें कौन सी रचना केशव की है? केशव की रचना कौन सी है? कवि प्रयाग, गीतावली, पदावली, काव्य निर्णय। केशव की रचना ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड। ए, कवि प्रयाग। कवि प्रयाग किसकी रचना है? केशव की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, कवि प्रयाग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन पहली बार ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं हाँ क्या पूछा जा रहा है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है सूरदास की रचना? सूर सागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी, सूर सरावली। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, उद्धव शतक। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन सही हो जाता है बी, उद्धव शतक, सूरदास की रचना नहीं है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सभी सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? मैंने क्वेश्चन करवाया, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम महाकाव्य ना पूछ करके खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के बारे में पूछा जा रहा है। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, लोकगीत। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उतने लाइक कम से कम दीजिए। सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने में बड़ी मेहनत लगती है, आप लोगों तक पहुंचाने के बीच में काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो फाइनली जाके एक वीडियो बनती है और वो वीडियो आप लोगों तक आती है और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, इसका ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सभी, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप सभी लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत भारती के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, मैथिली शरण गुप्त, आप मार्क कर लीजिए। भारत भारती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र रचित उपन्यास कौन सा है? पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदान, नैमिषारण। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, परख। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद, बाल कृष्ण भट्ट। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्टैंडर्ड लेवल के न्यू क्वेश्चन हैं और यहाँ पे सारे आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन अलग अलग इंक्लूड किए गए हैं, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, महाकाव्य, काव्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है खूब। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया?
क्वेश्चन मैंने करवाया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद मध्वाचार्य, रामदास वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामानी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामानी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, कामायनी। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, ये महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी रसखान घनानंद सूरदास। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बिहारी लाल ने। बिहारी लाल ने गागर में सागर भरने का कार्य किया, ये बहुत ही बड़ी इनकी उपाधि है, तो विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने का काम किया। नेक्स्ट है, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, कहानी है। वापसी कहानी है। और किसकी रचना है वापसी? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। क्वेश्चन जो जो मैंने करवाया वही हम पूछ रहे हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के थे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर मेरी पूरी वीडियोस देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में आराम से आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मगही। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मैथिली। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग उसे तैयार कर लीजिए। एकदम से नए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल के, जैसा कि आप लोगों की हमेशा से डिमांड रही, एकदम से नए कुछ स्टैंडर्ड कठिन क्वेश्चन लाइए, तो सारे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मैथिली है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक को उग्र कहते हैं, किसे कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे, वेचन शर्मा को, नरेश मेहता को, आगे को, किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, पांडे, वेचन शर्मा को उग्र कहते हैं, इन्हें उग्र के नाम से जाना जाता है उपनाम। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक उनको गागर में सागर भरने वाला बिहारी ससई। इनके अलावा आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, जय सिंह के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आप लोग स्कोर करते रहिएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती, मोटिवेशन मिलता और ये पता चलता है कि ये वीडियो कितना रिलेवेंट है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी,
राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, भक्ति काल को। ठीक, नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, जितने भी हमने कलेक्ट किए हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन यूपीटेट और सुपर टेट के भी हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, महाकाव्य। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रस खान, घनानंद, सूरदास। तो विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा ए, बिहारी। आप लोग अपना स्कोर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, पूस की रात, पूस की रात है क्या? ये कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है, और इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यहाँ पे शब्दार्थो ऐसे लिखा होगा, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कुंतक, चिंतामणि। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, भामह की है। नेक्स्ट है, ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई होगा यहाँ पे, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, किसने लिखी? मेरा भाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे, ये है लाइन कबीरदास की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, किसने लिखा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रस खान, मंददास, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से? जीवनी काल, पद्यकाल, संस्मरण काल, गद्यकाल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? निराला, यहाँ पे अज्ञेय पंत, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा बी, अज्ञेय।
ठीक है, अब इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आगे ऑप्शन हमारा सही होता बी। नेक्स्ट है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, जायसी किस धारा के कवि हैं, जायसी किस धारा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रसक काव्यधारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, प्रेम मार्गी प्रेमाश्रयी शाखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जय पराजय। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जय पराजय। अच्छा, जय पराजय किसके द्वारा लिखी रचना है, ये है उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा लिखी गई रचना है, ये उनका नाटक है जय पराजय। उनका नाटक लौटता हुआ दिन है, भंवर है, और स्वर की झलक, बड़े खिलाड़ी, ये सब उनके नाटक हैं, और ये उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाएं हैं, ठीक है, जो हमने अभी बताई, और जय पराजय भी उन्हीं की ही रचना है, ठीक है। और ये जो उपेंद्रनाथ अश्क थे, उनके बारे में एक बात है, ये अपनी पुस्तक स्वयं ही प्रकाशित करते थे, ये उर्दू और हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, विद्यापति को। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। यूपीटेट सुपर टेट के लिए ये आपका बहुत ही बढ़िया चैनल है, बेस्ट चैनल है, आप लोग यहाँ से अगर जुड़े हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, आप लोग सफल जरूर होंगे अच्छे मार्क्स के साथ। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, सुमित्रा नंदन पंत को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरति मिश्र। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, सूरति मिश्र। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अमृतलाल नागर। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, हम आप लोगों को एससीईआरटी पढ़ा रहे थे तो सारी रचनाएं इसमें से कम 90% मिली थी, तो संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, संस्कृति के चार अध्याय, ऑप्शन हमारा सही होता है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन हमारा सही होता है संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल ये एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, अशोक के फूल इस निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, विकल्प कौन सा सही होगा, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन हमारा सही होता है जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं, कादम्बिनी, सारिका, कथांतर, कथादेश। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है, वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, कथादेश। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे, तो विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है डी,
कथा देश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? फ्रेंड्स, आप सभी को हम एक चीज हमेशा कहते हैं कि आप लोग हर दिन का एक टारगेट बना लीजिए, हर दिन का एक टारगेट बना लीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरी एनर्जी लगाइए। इस तरीके से हम छोटे छोटे एम को पाते हुए अपना पूरा उद्देश्य पूरा कर लेंगे। जो हमारा उद्देश्य है, चाहे वो नजदीक में 2-3 महीने की परीक्षा का हो, चाहे मेरी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य हो, वो पूरा हो जाएगा। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में अपना उद्देश्य पूरा करते हुए। उस एक एम बनाइए हर दिन का, उसे पूरा करने में आप पूरी एनर्जी लगा दीजिए, अपना पूरा फोकस कर दीजिए। तो कैसे नहीं उद्देश्य पूरा होगा? कैसे अगर आपने 130 प्लस का उद्देश्य किया है, एम रखा है, तो कैसे नहीं उसे हासिल कर पाएंगे? जरूर हासिल कर लेंगे। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, नामवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है बी, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश, उषा, प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारे प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐशा अल्लाह खान, सुदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सदल मिश्र। आप सभी चैंपियन है, आप में बहुत एनर्जी है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाह रहे वो हासिल कर सकते हैं। बस आप एक सही दिशा में चाहना तो शुरू करिए, ईमानदारी तो दिखाइए अपने काम में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? आप लोगों को विकल्प देख के बता देना चाहिए था, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है कंटिन्यू। पंचरत्न, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता हमारे ये पंचरत्न। पंचरत्न किसकी रचना, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चाहे जहां से खोज करके, किताब से, विकिपीडिया, गूगल, सब कुछ, चाहे जहां से खोजिए। एक खोजेंगे आप तो साथ में कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बस मेरा ये पर्पज होता है। आप लोग खोज करके नीचे कमेंट सेक्शन में फुल एनर्जी के साथ तुरंत के तुरंत करिए। और एक चीज आपको और बता दें, वीडियो को अभी बाद के लिए मत रखिए, अभी के अभी तुरंत इसे फिनिश कर दीजिए, नहीं तो बाद में वो कंपाइल हो जाता, पूरा ढेर लग जाता है, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाते, सबके साथ हो जाता है। तो किसी काम को कल के लिए मत छोड़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी, आयारी, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है तिलस्मी है। चंद्रकांता संतति ये तिलस्मी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कौन सा होगा, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन। जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, गोपाल राम। ऑप्शन सही हो जाता है हमारा गोपाल राम गहमरी। आपको सारे नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैंने पूरे वीडियो के साथ कितनी ईमानदारी की आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी मेहनत कितनी सफल हुई है। साथ साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट है,
शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? कर्बला, नदी के द्वीप, मरी हुई मछली, मछली मरी हुई, राग दरबारी। अज्ञेय का उपन्यास यहाँ पे जो चार विकल्प दिए कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, नदी के द्वीप। इनमें से अज्ञेय जी का उपन्यास है बी, नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय, राजकमल चौधरी। विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता सी, अज्ञेय जी। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोगों को 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन आराम से चूज कर सकें। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम यह कथन किसका है? फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिएगा, लाइक और एक शेयर। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, नंद दुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, मंगलसूत्र। अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना जो कि काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है झरना क्या है। नेक्स्ट है, भारत भारती, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, भारत भारती काव्य के रचनाकार है सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सरहप्पा। ऑप्शन सही होता सी, सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, लल्लू लाल। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर, पहली बात कहानी है, पंच परमेश्वर के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, प्रेमचंद। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर यह है कविता, इसके कवि कौन है? तोड़ती पत्थर इस कविता के कवि कौन है? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट है, हार की जीत, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर रंगे राघव। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सुदर्शन।
हम सभी ने ये कहानी खूब पढ़ी है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, इंशा अल्लाह खां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शिव शंभु के चिट्ठी से संबंधित रचनाकार हैं कौन है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सही होता है डी, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशवदास, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, केशवदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुटच के रचयिता हैं, कुटच के रचयिता कौन है, कौन सा विकल्प हमारा सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटच के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, सभी वो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, हायर लेवल के एग्जाम से लेकर के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आंसू, आंसू काव्य के रचनाकार हैं, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीर, बिहारी, रहीम, ये दोहा आप पढ़े होंगे, ऑप्शन हमारा यहां पे सही होता है डी, रहीम। नेक्स्ट है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार, ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, रस खान, तुलसी, बिहारी, कबीर, ऑप्शन सही होता है बी, तुलसीदास। नेक्स्ट है परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, रस खान, तुलसी, बिहारी, मीरा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ये भी, तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है रक्त है या नसों में छुद्र पानी जांच कर तू शीस दे देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंदनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्त के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट, कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कबीर। नेक्स्ट है अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम, यानी कि यहाँ पे किसी का नाम भरना है, का नाम लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी,
सूरदास का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा, अवधी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है, यहाँ पे डी होगा, अवधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भूषण किस रस के कवि थे। रौद्रस, करुण, वीर, श्रृंगार रस। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, वीर रस के कवि। नेक्स्ट है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, स्वयंभू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, पूरे 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, वेरी गुड। ऑप्शन हमारा सही होता है हरिशंकर परसाई। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हमारे लिए पावर बूस्टर की तरह काम करता है, बस एक लाइक। नेक्स्ट है आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपकी बंटी इस रचना में किस समस्या को उजागर किया गया है, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा, तलाक से जुड़ी, बाल समस्या। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या के बारे में बताया गया है। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है जिसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या के बारे में बताया गया है। इन चारों विकल्प में से हमारा चौथा ऑप्शन सही होता है। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है जो कि एक उपन्यास है। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राजेंद्र अवस्थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। रौद्र, करुण, वीर, श्रृंगार। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निराला को कैसा कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवान। ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, क्रांतिकारी कवि माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। कौन सा उपन्यास, ऑप्शन हमारा सही होता है बी, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है, तो ऑप्शन आप लोग जल्दी से बताइए, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। विकल्प आप सभी के सामने है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, भक्तिकाल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी है महाकाव्य। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। क्वेश्चन है, मैनी मून्स के लेखक हैं, मैनी मून्स के लेखक कौन है? लुई लमूर, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? एक मिनट, ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है डी, जेम्स थर्बर। मैनी मून्स के लेखक जेम्स थर्बर हैं। एससीईआरटी की पिछले टर्म पे जब हम बुक पढ़ा रहे थे वहां पे आपको मैंने बताया था मैनी मून्स के लेखक है जेम्स थर्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, 10 बजे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, आपको एक एक क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी की बुक से, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भैरव सिंह शेखावत। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है बी, रामधारी सिंह दिनकर की है। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की और प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, हुंकार है। याद रखिएगा जो इतने पॉइंट मैंने आपको बताए, और भी रचनाएं जो मैंने रामधारी सिंह दिनकर की बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिदंबरा किस लेखक की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिदंबरा किस लेखक की रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पे सही होता है? चिदंबरा, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत की और रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक वीड़ा है, ग्रंथी है, पल्लव है, गुंजन है, ये सब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है, 3 रचनाएं आपकी हैं और 1 रचना नहीं है। अभी मैंने आपको देखिए बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एकदम से एनर्जी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आपको चैनल के साथ जुड़ना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आप लोग अगर मन से जुट रहे हैं तब भी के लिए आपके पास परफेक्ट टाइम है। फिर भी हम कहेंगे टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक लगन होनी चाहिए आप में, अब नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, अब लगन के साथ एकदम से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं? वेरी गुड, अग्निगर्भ। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की रचना अभी मैंने बताया, गुंजन, वीणा, पल्लव। अग्निगर्भ किसकी रचना है? महाश्वेता देवी की, महाश्वेता देवी की, एससीईआरटी में सब पढ़ाया मैंने, महाश्वेता देवी की रचना है। और शेष रचना अभी मैंने बताया सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को, अभी पता है आप लोगों की कल की क्लास के लिए हमने सारे क्वेश्चन तैयार करने, कम से कम 2-3 बज जाता है कल की क्लास के लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार करना, फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करके रख लेना, तो ये सारे काम रात में ही होते मेरे। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? युगांत है, चिदंबरा है, वाणी है, गुंजन है।
विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को कब प्रदान किया गया? 1968 को, 1968 को। उनकी एक काव्य कृति है, ध्यान दीजिएगा, काव्य है चिदंबरा, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1965 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कभी कभी, ध्यान से आप लोग दोनों देखते रहिए। 1965 में स्थापना की गई, 1968 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता? पिछले टर्म में हमने ये आज के सवाल में पूछा था और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? प्रकृति के सुकुमार कवि, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल मिश्र की है? सभी क्वेश्चन हम बहुत ही कलेक्ट करके लेते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं, सिलेक्शन में, क्वेश्चन के सिलेक्शन में कोई लापरवाही नहीं करते हैं, सेलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो भी मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यशोधरा परिमल गीतिका दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र की रचना पूछी जा रही है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, दीप जले शंख बजे, ये कन्हैया लाल मिश्र से संबंधित रचना है, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे यहां पे लिया, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास। विकल्प यहां पे कौन सही होगा? बीजक किसकी संग्रह रचनाओं का संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा ये, बीजक में कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। आप लोग खूब फास्ट रिप्लाई करिए, जितनी फास्ट आपकी रिप्लाई होगी वैसे हम क्वेश्चन जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कबीरदास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे? कबीरदास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे? गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन 30 में से। सगुण धारा के, निर्गुण धारा के, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो आपको यहां पे चूज करना है दो में से, सगुण और निर्गुण में से। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? कबीरदास जी किस धारा के कवि थे? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है, कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवियों में शामिल थे और इनमें उनका बहुत ही विशिष्ट स्थान था, ठीक है, निर्गुण धारा के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान था और ये निर्गुण धारा के कवि थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां पे देखिए, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? किस कवि की पुस्तक है रास पंचाध्यायी? रहीम की, कबीरदास की, सूरदास की, केशव की? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? अब यहां पे जल्दी से बताइए किस कवि की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं किसका किसका सही होता है। रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? वेरी गुड, ना, चलिए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाते हैं, रहीम की है, रहीम की, ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, रहीम की प्रमुख पुस्तक है रास पंचाध्यायी, ध्यान दीजिएगा एकदम से, रहीम की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा,
झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, मैथिली शरण गुप्त। झांसी की रानी, ये उपन्यास की बात हो रही है। झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास, उपन्यास हम यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उपन्यास, चलिए ऑप्शन यहां पे हम, चलिए ऑप्शन आपको बता देते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, महाश्वेता देवी। वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, महाश्वेता देवी। झांसी की रानी उपन्यास महाश्वेता देवी की रचना है और इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं सूरज गहराई है, अग्निगर्भ है। तो ऑप्शन यहां पे आपका यहां के लिए सही हो जाता है महाश्वेता देवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, साकेत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साकेत किसकी रचना है? अज्ञेय की, मैथिली शरण गुप्त की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। एक भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहां पर मिलेगा आपको। साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? पूछा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? भारत भारती, तितली, ठेले पर हिमालय, कंकाल। इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। अच्छा, ये किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय। साथ साथ में 30 से ज्यादा आप यहां पे क्वेश्चन, कम से कम आप लोग इसका दोगुना क्वेश्चन तो तैयारी कर रहे हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? और भी इंपॉर्टेंट है, रेणुका किस लेखक की रचना है? रेणुका किस लेखक की रचना है? बाबू गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो रेणुका किस लेखक की रचना है? वेरी गुड, यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उनकी अन्य रचनाओं में कौन कौन शामिल है? रामधारी सिंह दिनकर की कुछ और रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हुंकार है, पूछा जाता है हुंकार, उर्वशी और रसवंती भी पूछा जाता है। ऐसे ही हैं और सारी बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है। अब देखिए यहां पे उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेशमी टाई। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तो विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? रेशमी टाई, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में आप यहां पे कुछ अलग अलग भी देखते चल रहे हैं, रश्मि रथी मिल गया, कुरुक्षेत्र मिल गया, रश्मि रथी मैंने बताया था, कुरुक्षेत्र भी आप लोग शामिल कर लीजिए। अब रेशमी टाई किसकी रचना है? रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की। विधाएं कौन सी है? ये एकांकी है, ठीक है, ये रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की एकांकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये एक चैप्टर है आपकी एससीईआरटी में, ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन अज्ञेय। ईदगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ईदगाह प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की और रचनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग नोट करते रहिएगा, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आज का क्वेश्चन आप सभी का एससीईआरटी की बुक से है, एक एक क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी की बुक से है, जो आपके परिषदीय विद्यालयों में किताबें चल रही हैं, सरकारी स्कूलों में उससे लिया गया है। आप लोग काफी दिन से कह रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चन सभी हम सभी तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? आधुनिक युग की मीरा, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म 1907 में कहां पे हुआ था? फरुखाबाद में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दीप शिखा की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? दीप शिखा, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है, बी महादेवी वर्मा। देखिए, दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां, जितना मैंने अभी आपको बताया वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीट कर देते हैं आपको, देखिए, दीप शिखा की लेखिका महादेवी वर्मा, दीप शिखा के साथ साथ मैंने क्या क्या बताया, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्यगीत, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कामायनी किस लेखक की रचना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ये जान भी रहे हैं कामायनी किस लेखक की रचना है, लेकिन साथ साथ में हम कुछ और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेंगे। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास। तो चलिए, हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, बी। पता है आप लोगों, जब 100% सभी लोगों की रिप्लाई सही होती है ना, तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोग सफलता के बहुत नजदीक हैं और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, दिल में ये आशा जग जाती है और आशा के साथ साथ एक विश्वास हो जाता है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप लोग सफल जरूर होंगे। तो विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है, बी जयशंकर प्रसाद। अच्छा, इनकी और प्रमुख रचना कौन सी है? अभी तो मैंने पिछले बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं, मेनली रचनाएं बहुत सी हैं, कुछ अभी दिमाग में है, कुछ नहीं भी है, ऐसी भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है कवर कर ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद की रचना कौन सी है पूछा जा रहा है, कौन सी है? कंकाल है, सावन है, गोदान है, तितली है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही है? आ जाइए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है, सी गोदान। प्रेमचंद की रचना कौन सी यहां पे? गोदान है, इनका उपन्यास है। अच्छा, इनकी और प्रमुख रचनाएं गबन है, ईदगाह, पूस की रात, कफन। अच्छा, इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे पहले हम करवा चुके हैं। हाँ, आप लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे ना, जैसे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग तुरंत रिप्लाई करते रहिएगा, एकदम से एक्टिव होकर के, और यहीं पे काम फिनिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? देखिए, प्रथम महाकाव्य रामायण, उसकी रचना किसने की? महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ।
विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, केशवदास। विनय पत्रिका बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। अब नहीं ये पूछा जा रहा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, प्रेम वाटिका। ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तीन रचनाएं आपकी तुलसीदास की है और एक रचना तुलसीदास की नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है डी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका तुलसीदास की रचना नहीं है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार रसखान जी हैं, रसखान। जबकि ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झांसी की रानी प्रसिद्ध कृति किसकी है? झांसी की रानी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, बालामणि अम्मा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1904 में इनका जन्म हुआ था, कहां पर? प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानता किसकी होती है, तो राष्ट्रभक्ति की, प्रेम की और प्रकृति का सुंदर चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। और इनकी और प्रमुख रचनाएं त्रिधारा है, बिखरे मोती, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। झांसी की रानी आप लोग अपने बुक में पढ़े भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड, हाँ, वीर रस में वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, पूछा जा रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, तितली, विखरे मोती। आप लोग एकदम से सही कर ले जाएंगे, इसे हमें पूरा भरोसा है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, तितली। तितली अभी मैंने बताया जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, तितली। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन सी नहीं है? भारत जननी, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कंकाल। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा डी, कंकाल। कंकाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कंकाल किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है, हम बता चुके हैं अभी, तो जल्दी से बताइए कंकाल किसकी रचना है। फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग लाइक हैं कम से कम उतने लाइक आप लोग कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक थोड़ी सी एनर्जी लगेगी आपकी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। आपका लाइक हमारे लिए एकदम से एनर्जेटिक पावर बूस्टर की तरह काम करता है, तो हाँ, लाइक करते रहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद की है। यहां पे देखिए, हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की, यहां पे देखिए, हिंदी में यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा के रूप में किसने स्थापित किया? यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा, एक विधा के रूप में किसने स्थापित किया, मान्यता किसने दिलाई? हरिवंश राय बच्चन, राहुल, सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, राहुल सांकृत्यायन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
और एक यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर का नाम है वोल्गा से गंगा। इनका जो है प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, आपकी एससीईआरटी की बुक में चैप्टर है वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन का एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानसरोवर किनकी कहानियों का संग्रह है। आप लोग इसे मार्क करते रहिए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। मानसरोवर किनकी कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी प्रेमचंद के, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी प्रेमचंद के, ठीक है। मानसरोवर कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, युगांत किस लेखक की रचना है। युगांत किस लेखक की रचना है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पन। युगांत ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी की बुक से हैं, जो सरकारी स्कूलों में किताबें चल रही हैं आपके बेसिक में, माध्यमिक शिक्षा परिषद में। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, कौन सा ऑप्शन सही होता है। विकल्प आपके सामने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन कैसे थे, वीडियो कैसा लगा, तो आपके फीडबैक से ही हम सुधार कर पाते हैं, तो हमेशा आपका फीडबैक आमंत्रित है। और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं 40 में से, ईमानदारी से बताइएगा। ये एक तरीके से टेस्ट भी था और आप लोगों को क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कराया। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग जरूर जितना भी स्कोर किए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।